हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन का क्या अर्थ है? कम्युनिकेशन का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो कम्युनिकेशन का अर्थ है सूचनाओं का आदान प्रदान। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूं, तो ये भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन है। अगर इंग्लिश में बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह सूचनाओं का आदान प्रदान ही कहलाता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में सबसे पहले जो सूचना है, इंफॉर्मेशन है, वो किसके द्वारा भेजी जाएगी? सेंडर के द्वारा। एक कोई सेंडर होगा जो कि सूचना को भेजेगा, दूसरा एक होगा रिसीवर जो कि सूचना को रिसीव करेगा। अब जो भी ये सूचना भेजी जा रही है वो किसी न किसी माध्यम या मीडियम से भेजी जाएगी। तो जिस माध्यम या मीडियम से ये सूचना भेजी जाती है उसे कहते हैं हम चैनल या फिर मीडियम। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो जो भी हमें डेटा को ट्रांसमिट करना है या भेजना है, ये अगर हमें वॉइस भेजना है, ऑडियो या वीडियो भेजना है या कोई इमेज भेजनी है, तो ये हमारा पहले होता है फिजिकल फॉर्म में, पर हमें इसे भेजना है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू। तो सबसे पहले हमारा मेन काम क्या होगा कि इस जो फिजिकल सिग्नल है इसको बदल के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट किया जाए। तो इसके लिए हमें सेंडर के पहले एक इनपुट ट्रांसड्यूसर लगाना पड़ता है। ये हमारा इनपुट ट्रांसड्यूसर है। इसके आगे एक क्या है? सेंडर। अब ये इनपुट ट्रांसड्यूसर, यहां पे हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल था ये क्या था? या तो ऑडियो था जो कि हमें भेजना है, या वीडियो था, या वॉइस सिग्नल था, या कोई इमेज, लेट सपोज रहे, एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। यहां से हमने इस सिग्नल को पहले, इसको कन्वर्ट करेगा इनपुट ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर का क्या काम होता है कि इंफॉर्मेशन जो भी हमारी है, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो हमारे यहाँ जो इनपुट ट्रांसड्यूसर है, इसने ये ऑडियो, वीडियो या वॉइस सिग्नल को सबसे पहले कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट किया? इलेक्ट्रिक सिग्नल में, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक मीडियम के थ्रू भेजना है इस सिग्नल को। तो इसने कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिक सिग्नल में। फिर यहाँ पे जो सेंडर है इसके थ्रू हम इस सिग्नल को क्या करते हैं? ट्रांसमिट। मतलब कि यहाँ पे एक लगा होगा ट्रांसमीटर जिसे हमने नाम दिया था सेंडर। अब ये किसी चैनल के थ्रू जाएगा, तो ये एक चैनल के थ्रू गया। और यहां पे क्या था? रिसीवर। रिसीवर जो रहेगा इस पे, जो हमारा ये सिग्नल मिला ये किस फॉर्म में मिला? इलेक्ट्रिक सिग्नल, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में यहां भेजा। पर हमें ओरिजिनल सिग्नल जो है वो ऑडियो, वीडियो या वॉइस जो भी भेजा था वो प्राप्त करना है। इसके लिए हमने क्या किया? यहां पे एक आउटपुट पे भी एक ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल किया। तो ये आउटपुट ट्रांसड्यूसर का मेन काम क्या है? ये जो हमारा इलेक्ट्रिक सिग्नल यहां पे मिला था इसको कन्वर्ट करेगा किसमें? अगर हमने लेट सपोज ऑडियो सिग्नल भेजा था, तो यहां पे जो हमारा सिग्नल आएगा वो वापस आ जाएगा ऑडियो या वीडियो या वॉइस, जो भी हमने इनपुट पे भेजा था वापस हमें आउटपुट पे वही मिल जाएगा। अब ट्रांसमीटर में हम किस चीज का यूज करते हैं? ट्रांसमीटर या तो हमारा मॉड्यूलेटर हो सकता है, या फिर हो सकता है एम्पलीफायर। चैनल, अगर हम चैनल की बात करें, चैनल, तो अगर हमें
शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कोई चीज भेजनी है, कोई इंफॉर्मेशन शॉर्ट डिस्टेंस पे भेजनी है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वायर्ड चैनल को। वायर्ड चैनल मतलब किसी वायर के माध्यम से हम इंफॉर्मेशन भेजेंगे। इसका एग्जाम्पल है जैसे ऑप्टिकल केबल का यूज कर सकते हैं, कोएक्सियल केबल का यूज कर सकते हैं एक्सेट्रा। अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस बहुत दूर कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है, कोई सूचना भेजनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस चैनल यूज करेंगे और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एंटीना या सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज करते हैं वायरलेस का। ठीक है, तो ये दो टाइप के चैनल होते हैं, एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वायर्ड चैनल, दूसरा होता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वायरलेस चैनल। और इसके बाद ये हमने बात कर ली सेंडर ट्रांसमीटर की, ये होगा मॉड्यूलेटर या एम्पलीफायर। चैनल दो टाइप का पढ़ लिया। रिसीवर पे जैसे यहां पे मॉड्यूलेटर यूज किया गया, वैसे ही रिसीवर पे यूज करते हैं डी मॉड्यूलेटर, जो कि जस्ट ऑपोजिट काम करता है मॉड्यूलेटर के। इसके बाद आउटपुट ट्रांसड्यूसर पे से हमारा ओरिजिनल सिग्नल मिल गया। अब इसका अगर हम लोग एक एग्जाम्पल देखें, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर इसका एग्जाम्पल देखें, तो जो हमारा माइक है ये होता है एक तरह का इनपुट ट्रांसड्यूसर। अगर हम माइक को देखें तो जो भी हम बोल रहे हैं, ये माइक में जो हमारा इनपुट ट्रांसड्यूसर होता है, अगर हमने कुछ वॉइस बोला तो इसको इनपुट ट्रांसड्यूसर जो माइक में लगा होता है वो उसे कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल से। ट्रांसमीटर के द्वारा ये ट्रांसमिट होगा, रिसीवर के द्वारा रिसीव होगा, और जो आउटपुट ट्रांसड्यूसर है उसका एग्जाम्पल है सबसे अच्छा लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या करेगा, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फॉर्म में सिग्नल आया था उसको फिर से, अगर हमने जो भी बोला वॉइस सिग्नल को, फिर से इलेक्ट्रिक सिग्नल को वॉइस सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये आज हम लोगों ने टोटल सिर्फ ब्लॉक डायग्राम और ये कुछ बातें देखी हैं। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजें। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा क्या जरूरत है मॉड्यूलेशन करने की, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन क्या है और डी मॉड्यूलेटर क्या है, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।